नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रसोगी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। अमेरिका के अपोलो 11 अभियान में चंद्रमा की सतह पर इंसान के पहुंचने के 50 वर्ष पूरे। ज्ञान विज्ञान में देखिए किस प्रकार इस अभियान ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग का आरंभ किया। इंडिया इनोवेशन ग्रोथ के तहत DST लॉकहीड मार्टिन टाटा ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नवाचारकों को पुरस्कृत किया गया। 15 जुलाई को नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने प्लास्टिक सर्जरी और दुर्घटनाओं में जले मरीजों की सर्जरी के लिए 100 बिस्तरों वाला एक ब्लॉक आरंभ करने की घोषणा की। खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वालों ने वर्ष 2019 के अंतिम चंद्र ग्रहण के दर्शन किए। ज्ञान विज्ञान आपके लिए लाया है इन खगोलीय घटनाओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट। 20 जुलाई 1969 को इंसान की कल्पनाओं में बसा हुआ एक असंभव सा सपना साकार हुआ था। दो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। भारी भरकम अंतरिक्ष की पोशाक पहने और पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लादे नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा की सतह पर कदम रखने की घटना दुनिया भर के टेलीविजन चैनलों पर लाइव प्रसारित की गई थी। आर्मस्ट्रांग ने इस घटना के बारे में कहा था कि इंसान का ये छोटा कदम मानवता की उन्नति के लिए एक बड़ी छलांग है। इस घटना ने भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण और असंख्य उत्सुकताओं को दूर करने का रास्ता साफ किया। ज्ञान विज्ञान पेश कर रहा है इस ऐतिहासिक अभियान पर विशेष रिपोर्ट। ठीक 50 वर्ष पूर्व दुनिया ने नील आर्मस्ट्रांग के मुंह से ये शब्द सुने थे जब उन्होंने मानव इतिहास में पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कमांडर नील आर्मस्ट्रांग और लूनर मॉड्यूल के पायलट बज ऑल्ड्रिन ने अपोलो लूनर मॉड्यूल ईगल को चंद्रमा की सतह पर उतारा था। अपोलो 11 को फ्लोरिडा के मेरिट द्वीप स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से एक सैटर्न 5 अंतरिक्षयान के जरिए 16 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था। यह अपोलो कार्यक्रम के तहत नासा का पांचवा मानव सहित अभियान था। अपोलो 11 के तीन भाग थे। पहला था कमांड मॉड्यूल जो तीनों अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन था। यह धरती पर वापस लौटने वाला अंतरिक्षयान का एकमात्र भाग था। दूसरा था सर्विस मॉड्यूल जिसका काम एक लूनर मॉड्यूल की मदद से कमांड मॉड्यूल को नोदन, विद्युतीय ऊर्जा, ऑक्सीजन और पानी उपलब्ध कराना था। लूनर मॉड्यूल के दो चरण थे, चंद्रमा की सतह पर उतरने का चरण और अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा में वापस लाने के लिए आरोहण का चरण। इस अभियान के कई उद्देश्य थे। लूनर मॉड्यूल यानी LM के चालक दल द्वारा वैज्ञानिक अन्वेषण, पृथ्वी पर सिग्नल भेजने के लिए एक टेलीविजन कैमरा स्थापित करना, सौर वायु की संरचना पर प्रयोग, भूकंप से जुड़े प्रयोगों के लिए उपकरण और एक लेजर रेंजिंग रेट्रो रिफ्लेक्टर स्थापित करना। उन्होंने चित्रांकन और फिल्मांकन करने वाले कैमरों से चंद्रमा के सतह की कई वीडियो और तस्वीरें खींची। चंद्रमा से लाए गए अधिकतर नमूने टेक्सास के ह्यूस्टन में लिंडन बी जॉनसन स्पेस सेंटर स्थित प्रयोगशाला में रखे गए हैं। 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने चंद्रमा पर इंसानों को भेजने और उनकी सुरक्षित वापसी का प्रस्ताव रखा था। अंतरिक्ष की दौड़ में अमेरिका के इस राष्ट्रीय अभियान को अपोलो 11 ने भली भांति पूरा किया। दुनिया भर के लगभग 65 करोड़ लोगों ने पहली बार इंसानों को चंद्रमा की सतह पर चलते हुए देखा। अपोलो 11 की सफलता ने दुनिया भर में अमेरिका की तकनीकी बढ़त साबित कर दी। चंद्रमा की सतह पर किसी अंतरिक्ष यान के उतरने को मून लैंडिंग कहते हैं। मून लैंडिंग मानव सहित या मानव रहित दोनों अभियान हो सकते हैं। हालांकि अमेरिका के अपोलो 11 अभियान के जरिए 1969 में पहली बार चंद्रमा की सतह पर इंसान के कदम पड़े थे, लेकिन चंद्रमा की सतह पर पहली बार मून लैंडिंग सोवियत संघ के लूना 2 अभियान की हुई थी जिसे 1959 में प्रक्षेपित किया गया था।
अपोलो 11 के इतिहास रचने के बाद नासा एक बार फिर चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारियों में जुटा है। नासा की योजना चंद्रमा के सबसे दूर स्थित दक्षिणी ध्रुव पर 2024 में इंसानों को भेजने की है। इंसानों द्वारा आधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण के युग की शुरुआत करने में अपोलो 11 अभियान को हमेशा मील के पत्थर के रूप में याद किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम यानी IIGP विचारों और अनुसंधानों के जरिए भविष्य में तकनीक आधारित समस्याओं को दूर करने के उपाय खोजने वाले आविष्कारकों को प्रोत्साहन देता है। ये कार्यक्रम भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों को समर्थन देता है। वर्ष 2007 में आरंभ होने वाला IIGP कार्यक्रम देश में सबसे लंबे समय से चला आ रहा कार्यक्रम है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के आपसी सहयोग से संचालित हो रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने देश के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से विज्ञान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने वाले युवाओं और नवाचार करने वालों को इससे व्यापक और विविध अवसर उपलब्ध हुए हैं। उभरती प्रतिभाओं का विज्ञान के विविध क्षेत्रों में भागीदारी और उन्हें जमीनी स्तर पर तकनीकी समाधान उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम की शुरुआत 2007 में की थी। ये कार्यक्रम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, लॉकहीड मार्टिन ट्रस्ट और टाटा ट्रस्ट की एक सहयोगात्मक पहल है और ये पहल सरकार के दो प्रमुख कार्यक्रमों स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का समर्थन करती है। हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम 2.0 पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। 20 स्टार्टअप्स की प्रत्येक टीम को 25 लाख रुपए और 16 कॉलेज की टीमों को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और स्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर्वोत्तम तकनीकी नवाचारों की पहचान करना है। कार्यक्रम की निधि से नए उद्यमियों को प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण के लिए उनकी योजनाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। So this is the 13th event doing this, and I understand that it's generated a lot of value, it's generated a lot of opportunities, created entrepreneurship, it's did mentorship, it's got people young, it's scouted for people. In fact, I want to congratulate people who are receiving prizes today, 20 startups. And 16 from colleges which are budding startups. इस वर्ष कार्यक्रम के लिए 500 से अधिक आइडियाज का मूल्यांकन किया गया था। ये कार्यक्रम दो श्रेणियों यूनिवर्सिटी चैलेंज और ओपन इनोवेशन चैलेंज में संचालित हुआ। नए उद्यमी ओपन इनोवेशन चैलेंज में भाग लेते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी चैलेंज कॉलेज की टीमों के लिए निर्धारित है। जीतने वाले कुछ नवाचारों में IIT मद्रास द्वारा सब्जियों और फलों के लिए पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज डिवाइस और आने वाले समय में उपग्रह संचार में आने वाली बाधाओं को हल करने के लिए स्पेस डेब्री मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी शामिल थे। With this IIGP, we got the fundings of about 10 lakhs on the basis of the concept and research we have done. After getting this 10 lakhs, we started developing the prototype in a very matured way. Started contacting with the few of the ISRO scientists, taking their feedback and maturing our product. So this overall journey helped us in clearing our whole concept of how to develop a product from the concept and get it to a commercial market. IIGP युवा वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तकों को बाजार की औद्योगिक चुनौतियों से निपटने का समाधान खोजने के लिए उन्हें तैयार करता है। कॉलेजों और नव उद्यमियों के लिए यह अनूठा अवसर उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें वैज्ञानिक नवाचारों की दिशा में स्थापित करने के लिए एक बेहतरीन मंच था। IIGP जैसे कार्यक्रम बेहतर भविष्य के लिए भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने पर हम आपको दिखाएंगे 15 जुलाई को संपन्न हुए नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे से जुड़ी एक दिलचस्प खबर। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान।
भारत में हर वर्ष 15 जुलाई को नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे के रूप में मनाया जाता है। यह आयोजन दुर्घटनाओं में जलने से जन्मजात दोष या दुर्घटना के कारण होने वाली विकृतियों को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए दूर करने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने जलने और अन्य दुर्घटना के मरीजों के लिए 100 बिस्तरों वाला एक सर्जरी ब्लॉक जल्द आरंभ करने की घोषणा की है। इस अवसर पर आम लोगों में प्लास्टिक सर्जरी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव एंड बर्न सर्जरी और एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ने संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम आयोजित किया। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। चिकित्सा की दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी का अर्थ है शरीर के किसी हिस्से के ऊतकों को लेकर किसी दूसरे हिस्से में जोड़ना और उसे ठीक करना। चोट, दुर्घटना, जलने या जन्मजात दोष के कारण चेहरे या शरीर के किसी दूसरे अंग में आई विकृतियों को दूर करने में प्लास्टिक सर्जरी काम आती है। सर्जरी की ये प्रक्रिया कैंसर, मधुमेह के कारण, पांव का अल्सर और मेलेनोमा के कारण शरीर के निशानों को दूर करने के लिए भी अपनाई जाती है। विज्ञान में हुई प्रगति के कारण इस प्रकार की सर्जरी दुर्घटनाओं या जन्मजात दोषों से पीड़ित मरीजों की समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण हो गई है। मुख्य रूप से प्लास्टिक सर्जरी के दो प्रकार हैं, पुनर्निर्माण और कॉस्मेटिक सर्जरी। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव एंड बर्न सर्जरी विभाग ने नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे के अवसर पर 15 जुलाई को एक जागरूकता अभियान चलाया। ये कार्यक्रम एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया ने आयोजित किया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुनर्निर्माण प्लास्टिक सर्जरी के उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाना और विभिन्न विकृतियों के लिए उपलब्ध उपचारों के लिए स्वीकृति पाना था। वर्तमान में भारत में विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी के लिए लगभग 2,500 सर्जन उपलब्ध हैं। एम्स हैज बेसिकली द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। इफ आई जस्ट ट्राई टू डिवाइड प्लास्टिक सर्जरी इनटू वेरी ब्रॉड एरिया, सो वन इज ट्रॉमा, वन इज कैंसर एंड वन इज द बर्थ डिफेक्ट्स। दीज आर द थ्री मेन स्पेक्ट्रम वी कैन से। इन बर्थ डिफेक्ट्स द मोस्ट कॉमन आर द क्लेफ्ट लिप इन विच जिसमें मैंने होंठ कटा रह जाता है जो, और बर्थ डिफेक्ट्स हैंड के बहुत कॉमन होते हैं, उंगलियाँ चिपक जाती हैं, एक्स्ट्रा उंगलियाँ होती हैं, उंगलियाँ हड्डी बनती नहीं है। और तीसरा होता है जो खून के गट्ठे बन जाते हैं बॉडी में वेरियस लोकेशंस पे, और जो बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको निकाल के उनकी जगह पेशेंट की कहीं और से स्किन लगाना। ये तीन मेजर बर्थ डिफेक्ट्स हैं। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हर वर्ष जलने और चोट से हुई विकृतियों के कारण करीब 3,000 मरीजों का इलाज किया जाता है। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक दुनिया भर में जलने के लगभग 75% मामले भारत में दर्ज किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान संस्थान ने घोषणा की कि एम्स में जल्द ही दुर्घटना में जलने वाले मरीजों के बेहतर उपचार के लिए विशिष्ट ब्लॉक आरंभ किया जाएगा। We can use this day to really spread what plastic surgery is all about and the utility of plastic surgery. But I'm very happy now that we have a whole burns and plastic surgery block which is going to be operational by the end of this year, and I look forward to that block being a hub for academic and research activity besides providing cutting edge patient care in terms of the facilities that are going to be there. संस्थान में गंभीर रूप से जलने के मामलों के तुरंत उपचार के लिए जल्द ही स्किन ट्रांसप्लांट बैंक बनाने की योजना पर काम चल रहा है। ये बैंक त्वचा दान से आरंभ किया जा सकता है जिसमें सर्जरी के लिए त्वचा की आवश्यकता होती है। जलने और दुर्घटना के कई गंभीर मामलों में त्वचा के नीचे स्थित ऊतकों को नुकसान पहुंचता है जिन्हें प्रत्यारोपण के जरिए ही सुधारा जा सकता है। इस अवसर पर एम्स ने इंडियन जर्नल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी का नया संस्करण भी जारी किया जिसे एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ने वर्ष 1968 में आरंभ किया था। इसका प्रकाशन वर्ष में 3 बार होता है और ये पत्रिका इस क्षेत्र के बारे में बताने और नए अनुसंधानों के बारे में जानकारी देने के लिए सभी के लिए उपलब्ध है। भारत में 16 और 17 जुलाई के बीच रात को आंशिक चंद्रग्रहण देखा गया। चंद्रग्रहण के दौरान पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। इसके कारण पृथ्वी की परछाई उसके प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पर पड़ती है।
चंद्र ग्रहण सिर्फ पूर्णिमा को होता है, जबकि पूर्ण चंद्र ग्रहण का नजारा काफी दुर्लभ होता है, क्योंकि ये खगोलीय घटना सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बिल्कुल सीधी रेखा में आने पर ही होती है। आंशिक चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के कुछ ही हिस्से पर धरती की छाया पड़ती है। ज्ञान विज्ञान आपको इस खगोलीय घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहा है। परछाइयों को हम रोज देखते हैं। परछाइयां अक्सर हमारे मस्तिष्क में कौतूहल उत्पन्न करती हैं। कुछ ऐसा ही खगोलीय परछाइयों के साथ होता है। ग्रहण परछाइयों के कारण होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसे इंसान सदियों से देखता आ रहा है। ग्रहण का उल्लेख प्राचीन पुस्तकों और ग्रंथों में भी पाया जाता है, जैसे कि चीन के अकादमिक दस्तावेजों में और हमारे यहाँ महाभारत तथा वेदों में। इस वर्ष 16 और 17 तारीख के बीच रात को भारत में चंद्र ग्रहण हुआ। ये वर्ष 2019 में दिखने वाला अंतिम चंद्र ग्रहण था। ग्रहण में चंद्रमा जैसे किसी खगोलीय पिंड अथवा ग्रह पर दूसरे खगोलीय पिंड की परछाई पड़ती है। पृथ्वी से दो प्रकार के ग्रहण देखने को मिलते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग एक महीने का समय लगता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी हर महीने एक सीधी रेखा में आते हैं, लेकिन हर महीने ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की तुलना में 5 डिग्री झुकी हुई है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है और सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है, तभी चंद्र ग्रहण होता है। इस स्थिति में चंद्रमा पर सूर्य प्रकाश पड़ने के बजाय पृथ्वी की परछाई पड़ती है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही होता है। जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के ठीक विपरीत दिशा में आ जाते हैं, तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। हालांकि इस स्थिति में चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाई पड़ती है, लेकिन सूर्य की थोड़ी रोशनी चंद्रमा तक पहुंच जाती है। धरती के वातावरण से गुजरने के कारण सूर्य के प्रकाश का अधिकतर नीला भाग छन जाता है। इस कारण पृथ्वी से चंद्रमा का रंग लाल दिखता है, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं आते हैं और पृथ्वी की परछाई चंद्रमा के कुछ भाग पर ही पड़ती है, तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का जो भाग पृथ्वी की ओर होता है, वह लगभग काला दिखता है। पृथ्वी से दिखने वाला आंशिक चंद्र ग्रहण इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में कितने कोण पर झुके हुए हैं। आमतौर पर आंशिक चंद्र ग्रहण कुछ घंटों के लिए होता है। प्रतिवर्ष लगभग 2 आंशिक चंद्र ग्रहण होते हैं, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण बेहद कम होता है। कभी कभी चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने से रोक देता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन कभी कभी पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के साथ बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं होते। इस स्थिति में आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण में सूर्य का सिर्फ एक हिस्सा पृथ्वी से छिपा होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर चंद्रमा की 2 परछाइयां पड़ती हैं। पहली परछाई को अमरा कहते हैं। पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते ये परछाई छोटी हो जाती है। यह चंद्रमा की परछाई का केंद्र होती है। दूसरी परछाई को पेनम्ब्रा कहते हैं, जो पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते बड़ी हो जाती है। पेनम्ब्रा से आंशिक ग्रहण, जबकि अमरा से पूर्ण ग्रहण देखा जा सकता है। अगला चंद्र ग्रहण जनवरी 2020 में होने की संभावना है। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की कुछ और नई वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। भारत की जलवायु में काफी भिन्नता है, जिसके कारण अलग अलग स्थानों की वनस्पतियों में भी जलवायु के अनुरूप भिन्नता पाई जाती है। हाल में प्लॉस वन पत्रिका में प्रकाशित एक शोध में विभिन्न स्थानों की जलवायु का वनस्पतियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया गया है। ये अध्ययन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में किया गया। शोधकर्ताओं ने इंडियन नेशनल लेवल बायोडायवर्सिटी कैरेक्टराइजेशन एट लैंडस्केप लेवल योजना के तहत पिछले 100 वर्षों में बारिश और तापमान के आंकड़े इकट्ठा किए।
इस शोध में गंगा के मैदानी क्षेत्रों, हिमालय में पड़ने वाले स्थानों, पश्चिमी घाट और दक्कन के पठार का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से वातावरण की परिस्थितियों का वनस्पतियों पर पड़ने वाले प्रभाव की प्राप्त जानकारी से जैव विविधता के संरक्षण में मदद मिलेगी। हाल में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी से प्रक्षेपित हायाबुसा 2 उपग्रह रियुगु नामक एक उल्कापिंड पर उतरने में सफल रहा। रियुगु उल्कापिंड पृथ्वी से लगभग 30 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये उपग्रह उल्कापिंड के गड्ढों से निकलने वाले इजेक्टा जैसे पत्थरों के नमूने इकट्ठा करेगा। आमतौर पर ज्वालामुखी विस्फोट या उल्कापात से उत्पन्न चट्टानों को इजेक्टा कहते हैं। ये अभियान सौर मंडल की उत्पत्ति जानने के लिए उल्कापिंड के सतह के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया गया है। मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान यानी TIFR में शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक नया पदार्थ बनाने के लिए सोने के सूक्ष्म कणों का इस्तेमाल किया। ये नया पदार्थ प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड को आवेशित कर सकता है। वैज्ञानिकों ने नए विकसित पदार्थ का नाम ब्लैक गोल्ड रखा है। नए पदार्थ का एक गुण सौर प्रकाश के अवरक्त किरणों के निकटवर्ती क्षेत्र में पूरी दृश्यता को आवेशित करना भी है। ये पदार्थ समुद्री जल को काम योग्य जल बनाने में मददगार साबित होगा। इसका इस्तेमाल सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। इस शोध के परिणाम केमिकल साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने बिना पदार्थ के चक्कर काटने वाले एक ब्लैक होल की खोज की है। ब्लैक होल में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है और कोई भी पदार्थ इससे बच नहीं सकता। वैज्ञानिकों ने ये ब्लैक होल NGC-3147 नामक सर्पीले आकाशगंगा के केंद्र में पाया है। ये आकाशगंगा पृथ्वी से 13 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। वैज्ञानिकों ने सर्पीले आकाशगंगा के अध्ययन के लिए हबल टेलीस्कोप के इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ उपकरण का इस्तेमाल किया। इस अध्ययन के परिणाम साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। विज्ञान के इतिहास में सप्ताह हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एवं बहुश्रुत रॉबर्ट हुक को। उनका जन्म 18 जुलाई 1635 को ब्रिटेन में हुआ था। उन्हें मुख्य रूप से प्रत्यास्थता का नियम प्रतिपादित करने के लिए याद किया जाता है, जिसे हुक्स लॉ भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी प्रत्यास्थ वस्तु को फैलाने या सिकुड़ने के लिए एक निश्चित दूरी से बल की आवश्यकता होती है। इस नियम के अनुसार बल हटाने पर वो वस्तु अपने मूल रूप में आ जाती है। हुक ने एक टेलीस्कोप का निर्माण कर उसके जरिए मंगल और बृहस्पति ग्रहों के घूर्णन का भी अध्ययन किया। रॉयल सोसाइटी की स्थापना के कुछ ही समय बाद 1662 में रॉबर्ट हुक उसके सदस्य बन गए। 16वीं सदी में माइक्रोस्कोप आधारित अध्ययन आरंभ करने का श्रेय भी उन्हीं के नाम है। पौधों की कोशिकाओं की खोज करने के बाद रॉबर्ट हुक ने उनके लिए सेल शब्द भी प्रतिपादित किया। ये नामी वैज्ञानिक अपने समय के महानतम वास्तुकार भी थे। चंद्रमा और मंगल ग्रह के कुछ क्रेटर के नाम उन्हीं के नाम पर रखे गए हैं। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमें जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कारों और समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।